हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ पिलग्रिम के विटामिन सी फेस वॉश का। तो ये फेस वॉश के क्या बेनिफिट्स रहेंगे, किस वजह से आपको यूज़ करना चाहिए, किस स्किन टाइप के लिए ये बनाया गया है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आज के वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले अगर पिलग्रिम विटामिन सी फेस वॉश के प्राइस की बात करें तो 250 रुपीज़ के आसपास आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाता है। अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इसकी डबल क्वांटिटी वाला लेते हो, जैसे कि डबल पैकिंग लेते हो, तो उसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, तो इसी वजह से रहेगा। तो ये आराम से अगर देखा जाए तो आप 1.5-2 महीने के आसपास इसको चला लोगे। रेगुलर यूज़ करते हो तो 2 टाइम यूज़ करोगे तब भी ठीक है, ईजिली इतना चल जाएगा। अब मेन इसके अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, मेन इसके अंदर आपको विटामिन सी देखने को मिल जाता है। यही मेन आपकी स्किन पे वर्क करेगा, जो कि आपकी स्किन बोलते हो कि हमारी स्किन भैया ब्राइटन नहीं हो रही, तो वहां पे काम करेगा विटामिन सी। तो आप यहाँ पे विटामिन सी फेस वॉश सीरम काफी सारी चीजें आती हैं, आप इस फेस वॉश को जैसे कि इनकी जो विटामिन सी की सीरम आती है उसके साथ भी यूज कर सकते हो, तो आपको और अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर आपको विटामिन सी देखने को मिल जाता है, जो आपकी स्किन से कोलेजन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है और आपकी स्किन से रिंकल्स, एजिंग वगैरह, झाइयां, झुर्रियां वगैरह जो चीजें हम बोलते हैं सभी, वो हटाने में हेल्प करता है। यानी कि पिगमेंटेशन भी हो रही है, डार्क स्पॉट्स भी हो रहा है, सन टैन आ रहा है, आपकी स्किन का टोन डार्क हो गया, अनइवन स्किन टोन हो रहा है, तो उसको काफ़ी अच्छे से सही कर देता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइटन काफ़ी अच्छा बना देता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी लगने लग जाती है। तो दी बेस्ट रहता है विटामिन सी फेस वॉश, चाहे यूज़ कर लो, चाहे सीरम यूज़ कर लो, चाहे इनकी क्रीम्स यूज़ कर लो, तो आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। बट अगर आपका एक कंप्लीट रूटीन ही विटामिन सी के साथ में हो जाता है, जैसे फेस वॉश हो गया, सीरम होगी या कोई मॉइस्चराइजर हो गया, तो उससे भी आपको और अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। बट कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ सीरम यूज़ कर लें या ओनली फेस वॉश यूज़ कर लें तो उससे हमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, तो हाँ डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं। आपने चूज़ करना है कि आप फेस वॉश में विटामिन सी मतलब ऐड करना चाहते हो या आप सीरम के थ्रू ऐड करना चाहते हो। अब मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स कहाँ देखने को मिलेंगे, सीरम्स के साथ में या क्रीम्स के साथ में, बिकॉज वो आपकी स्किन पर बहुत देर तक पड़ी रहती है। फेस वॉश का ये रहेगा, एक बार आप यूज़ कर रहे हो तो तब के लिए सिर्फ लगा और बाद में आपने वॉश कर दिया तो बोला जाए तो 1 मिनट हद मार के या 45-30 सेकंड 10 सेकंड के लिए आपके फेस पे रुका और फिर वो आपने वॉश कर दिया। बट सीरम का क्या रहता है, ओवरनाइट के लिए छोड़ दी, पूरे दिन के लिए छोड़ दी, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, बाकी फेस वॉश के साथ में आप सीरम या क्रीम्स की तरफ जा सकते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा पर्सनल ये था कि आपको बताऊं कि कैसे ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, तो उस वजह से मैंने कंप्लीटली बता दिया। विटामिन सी और इस फेस वॉश के मैंने कंप्लीट बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं, जो कि पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और आपकी स्किन से जैसे कि डार्क स्पॉट्स रिमूव हो जाएंगे, रिंकल्स, एजिंग वगैरह, जो भी आपकी स्किन पर सिल्वर वगैरह आती है वो भी रिमूव हो जाएगी, यानी धीरे धीरे चली जाएंगी। तो ये बेनिफिट्स रहेंगे इसके। तो अब बात कर लेते हैं कंप्लीटली इसके साइड इफेक्ट्स की और यूज कैसे करना है और कब यूज करना है। और इसके अंदर आपको कोकाडो प्लम देखने को मिल जाता है, यही मेनली विटामिन सी का काफी अच्छा रिसोर्स रहता है, तो इसके अंदर आपको कोकाडो प्लम देखने को मिल जाता है। और सेकंड इसके अंदर आपको जैसे कि लाइम पर्ल देखने को मिल जाता है, ये जैसे कि AHAs का काम करता है, यानी बोला जाए आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करेगा, जिससे बोला जा सकता है मतलब थोड़ी सी एक्सफोलिएशन होगी, यानी कि ऊपर की स्किन थोड़ी उतरना, जिसके कारण क्या है कि आपकी स्किन डे बाय डे जैसे स्मूथनेस की तरफ भी देखने को मिल सकती है, ब्राइटन देखने को मिलेगी और डार्क स्पॉट्स कम होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। और इसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलियन टी ट्री भी देखने को मिल जाता है लास्ट। तो इसमें क्या काम करेगा, ये जैसे कि आपकी स्किन से एक्ने होने से बचाएगा, ठीक है, आपकी स्किन पे जो भी बैक्टीरियल एक्ने वगैरह होते रहते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, तो ये भी दी बेस्ट रहता है। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ओनली विटामिन सी रहता है तो उसमें कई बार कुछ लोगों को एक्ने या इजिली सूट नहीं करता, वो दिक्कत देखने को मिल जाती है, बट इसके साथ में जो चीज़ें दी गई है ये बेस्ट रहने वाली है। अब ये जेल बेस्ड जैसे कि फेस वॉश है तो ये जैसे कि ऑयली स्किन वालों के लिए तो दी बेस्ट रहेगा, बट कई बार हो सकता है या तो ड्राई स्किन वालों को सूट ना करे या जिनकी सेंसिटिव स्किन है, अब ड्राई स्किन वालों को फिर भी सूट कर सकता है बट एक्सफोलिएशन का काम करेगा तो ओवर ड्राई ना लगे स्किन, तो इसलिए आप मॉइस्चराइजर वगैरह ये सब यूज़ करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी इतना भी ज़्यादा एक्सफोलिएशन नहीं करेगा, बिकॉज इन्होंने बताया नहीं कि कितने परसेंटेज में डाला गया है, तो ज़्यादा ड्राइनेस वगैरह आपको इसके साथ में देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ भी है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। देखो, अगर आपको इसको यूज़ करने के बाद एक्ने निकलने लग गए
या आपकी स्किन आपको लगता है और डार्क होने लगी, वैसे ये सब चीज़ें होंगी नहीं, बट कई केस में हो जाती है, बहुत से पर्सन के पहले ही दिक्कत चल रही होती है फेस पे, तो ये ट्राई करने के चक्कर में उनकी और चीज़ें बढ़ने लग जाती है। अगर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे। पहले से आपकी स्किन पे एक्ने काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तब भी आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने एक्ने क्लियर करने चाहिए, उसके बाद आप ऐसी चीज़ों की तरफ फिर जा सकते हो जो कि स्पेशली ब्राइटनिंग के लिए बनाई गई है। अब ये ब्राइटनिंग के लिए आप यूज़ कर लोगे अपने एक्नेज वगैरह पे तो वहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिल जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट कई बार हो सकता है या तो ड्राई स्किन वालों को सूट ना करे या जिनकी सेंसिटिव स्किन है, अब ड्राई स्किन वालों को फिर भी सूट कर सकता है बट एक्सफोलिएशन का काम करेगा तो ओवर ड्राई ना लगे स्किन, तो इसलिए आप मॉइस्चराइजर वगैरह ये सब यूज़ करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी इतना भी ज़्यादा एक्सफोलिएशन नहीं करेगा, बिकॉज इन्होंने बताया नहीं कि कितने परसेंटेज में डाला गया है, तो ज़्यादा ड्राइनेस वगैरह आपको इसके साथ में देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ भी है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। देखो, अगर आपको इसको यूज़ करने के बाद एक्ने निकलने लग गए या आपकी स्किन आपको लगता है और डार्क होने लगी, वैसे ये सब चीज़ें होंगी नहीं बट कई केस में हो जाती है, बहुत से पर्सन के पहले ही दिक्कत चल रही होती है फेस पे, तो ये ट्राई करने के चक्कर में उनकी और चीज़ें बढ़ने लग जाती है। अगर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे। पहले से आपकी स्किन पे एक्ने काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तब भी आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने एक्ने क्लियर करने चाहिए, उसके बाद आप ऐसी चीज़ों की तरफ फिर जा सकते हो जो कि स्पेशली ब्राइटनिंग के लिए बनाई गई है। अब ये ब्राइटनिंग के लिए आप यूज़ कर लोगे अपने एक्नेज वगैरह पे तो वहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिल जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसने जेंटल एक्सफोलिएशन करवाने, यानी कि थोड़ी बहुत पीलिंग वगैरह होगी, ऐसा विजिबल कुछ नहीं रहता, तो उससे क्या कि आपको हो सकता है कि मतलब ज़्यादा ड्राइनेस वगैरह ना देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं इसको आपको यूज़ कब करना चाहिए। दिन में यूज़ करें, नाइट में यूज़ करें, 3 बार यूज़ करें, 4 बार यूज़ करें, वो चीज़ आप कंप्लीटली बता देता हूँ। आपको इसको सिर्फ 2 बार यूज़ करना है, मॉर्निंग में भी यूज़ करोगे और नाइट में भी यूज़ करोगे। मॉर्निंग में आप जैसे कि उठने के बाद यूज़ कर सकते हो या नहाते टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर आप सुबह सुबह नहाते जैसे कि बैठ जाते हो, ठीक है, पहले उठकर और लेट तक नहाते हो, 12-1-2 बज जाते हैं, तो आपको दिन में ही फेस वॉश कर लेना चाहिए, रात की जो भी ऑयल वगैरह या धूल मिट्टी वगैरह वो निकल जाए, जो भी पिल्लो वगैरह से डस्ट वगैरह जो भी रही है आपके पोस्ट में गई होगी, तो इसलिए मतलब आपके फेस पे नहीं रहनी चाहिए, उसको क्लीन कर देना चाहिए, तो इसलिए एक आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करोगे। अब बहुत से लोग हैं कि भैया हमारी स्किन है ना ऑयली होने लग जाती है नून वगैरह में, तब हम एक बार और फेस वॉश रगड़ देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। आपको फेस वॉश नहीं रगड़ना उस टाइम पे, आप सिर्फ पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हो उस टाइम पे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओनली पानी लगाकर अच्छे से अपने फेस को वॉश कर देना, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए सही रहेगा। बट अभी आपको सेकेंड टाइम फिर फेस वॉश यूज़ करना है, अब यूज़ करना है आपको नाइट में। नाइट में कब यूज़ करोगे, जैसे कि आप सुबह का काम वगैरह करके धूल मिट्टी से या ऑयली भी हो जाती है स्किन वगैरह, आपने नून में नॉर्मल पानी से भी नहीं धोया, चलो मान लो नहीं धोया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि धोना ही धोना है उसको पानी से, नून में मान लो आपने पानी से भी नहीं धोया, रात में आपकी स्किन पे डर्ट भी होगी, डस्ट भी होगी, पोल्यूशन भी होगा और ऑयली भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नाइट में इससे वॉश कर दोगे, तो इसी वजह से आपको सिंपल इसको यूज़ करना है। वॉश कैसे करना है, नॉर्मली सबसे पहले अपने फेस को गीला कर लिया, फेस को गीला करने के बाद अपने फेस के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी इसकी ले सकते हो, जितनी आप फॉर्म चाहते हो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ली। अब सबसे पहले अपने हैंड पे रब करना है, ऐसा नहीं कि फेस पे थोड़ा थोड़ा लगाया उस वजह से, नहीं, सबसे पहले हैंड पे अच्छे से रब किया, फेस गीला था आपका, हल्का सा वेट फेस था, अब देन आपको अच्छे से मसाज करनी है इसको, नोज़ के एरिया पे, आईज़ के पास कम्प्लीटली, आईज़ वगैरह बंद करके देन इस वजह से मसाज करोगे कुछ सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए, देन आप इसको अच्छे से पानी से वॉश कर दोगे। सिंपली इसी वजह से आपको इसको यूज़ करना है। अब उसके बाद आप कोई सीरम का रूटीन है आपका या क्रीम्स का रूटीन है तो वो यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, अच्छे से स्किन केयर फॉलो करोगे तभी जाकर आपकी स्किन ब्राइटन होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फेस वॉश यूज़ कर लिया और आपकी स्किन ब्राइटन हो जाएगी। जैसे कि दिन में आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश के बाद आप सनस्क्रीन भी यूज़ कर रहे हो या तो या कोई सीरम यूज़ कर रहे हो और फेस को बाहर जा रहे हो तो कवर करके जा रहे हो सन में साथ में, ठीक है, और जैसे धूल मिट्टी से भी बचा रहे हो, कवर करके जा रहे हो, ये सब चीज़ें आपको ऐड करके रखनी होगी तब जाकर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।